नमस्कार, मैं हूँ आपके सुधांशु तिवारी। आप देख रहे हैं चलो इस वक्त हो गया है खबर का। मुंबई यूथ कांग्रेस के चीफ पद को लेकर इस वक्त मुंबई कांग्रेस में काफी हलचल है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के चुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प आए हैं। अक्टूबर नवंबर महीने में यूथ कांग्रेस का चुनाव किया गया। चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो नतीजे आए हैं उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि 80,000 से ज्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर है जुशांत सिद्दीकी और दूसरे नंबर पर है 74,000 वोट के साथ सूरज सिंह ठाकुर, तो वही तीसरे नंबर पर है 10,000 वोट के साथ सैफ खान। इन तीनों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इस सप्ताह दिल्ली में इनके साक्षात्कार राउंड के बाद तय होगा, जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। ये चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि मौजूदा एमएलए जुशांत सिद्दीकी को आम कार्यकर्ता से कड़ी टक्कर भी मिली है। अब बात करते हैं कौन है जुशांत सिद्दीकी। जुशांत सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट विधानसभा से मौजूदा एमएलए और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, जिनका महाराष्ट्र की राजनीति में काफी दबदबा भी माना जाता है। इसी दबदबे के दम पर उन्होंने अपने बेटे जुशांत सिद्दीकी के लिए 2019 में कांग्रेस का टिकट भी हासिल किया था। अब बात करते हैं कौन है सूरज सिंह ठाकुर। सूरज सिंह ठाकुर ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत। सूरज का कोई पॉलिटिकल पारिवारिक संबंध नहीं रहा है। कोरोना के समय लोगों की मदद कांग्रेस नेताओं के नजर में आने के बाद जिसका नतीजा यूथ कांग्रेस के चुनाव में देखने को मिला है। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूदा सैफ खान मौजूदा महाविकास अघाड़ी के मंत्री असलम शेख के दामाद हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा यूथ कांग्रेस के नेता के चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ताकि चुनकर आने वाले उम्मीदवार और पार्टी पर भाई भतीजावाद का कोई भी आरोप ना लग सके। राहुल गांधी की ये कोशिश सफल भी रही है। इसके चलते आम कार्यकर्ता भी इस पद के लिए चुनाव लड़कर अपनी काबिलियत साबित कर सकता है। अब देखना होगा कि मुंबई यूथ कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनता है, रसूखदार परिवार से आने वाले और मौजूदा एमएलए जुशांत सिद्दीकी या फिर आम आदमी या आम परिवार से आने वाले सूरज सिंह ठाकुर। यह देखना काफी दिलचस्प। तो ये हमारे ऐसे खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ।